भारत ने T20 सीरीज के बाद श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में भी क्लीन स्वीप किया। दोनों देशों के बीच बेंगलुरु में खेला गया टेस्ट टीम इंडिया तीसरे दिन ही जीत गई। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 447 रन का टारगेट दिया था, लेकिन श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में 208 रन पर ही सिमट गई। भारत की जीत में श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह की अहम भूमिका रही। दोनों खिलाड़ियों ने जीत की नींव रखी। श्रेयस ने टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक जोड़ा, तो वहीं बुमराह ने घर में पहली बार टेस्ट की एक पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया। इन दोनों के अलावा भी 3 ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने जीत के लिए पूरा जोर लगाया। श्रेयस अय्यर का दमदार प्रदर्शन। श्रेयस अय्यर बेंगलुरु टेस्ट में भारत की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे। उन्होंने इस पिंक बॉल टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया। खासकर पहली पारी में मुश्किल विकेट पर उनके 92 रन ने ही मैच में टीम इंडिया की वापसी कराई। पहली पारी में भारतीय टीम एक वक्त मुश्किल में दिख रही थी। 100 रन की भीतर 4 विकेट गिर चुके थे, लेकिन श्रेयस अय्यर ने 98 गेंदों में 92 रन की पारी खेली, टीम को 252 रन के स्कोर तक पहुंचाया। दूसरी पारी में भी उन्होंने इसी अंदाज में बल्लेबाजी की और शानदार 67 रन ठोके। उन्हीं की बदौलत भारत श्रीलंका को 447 रन का लक्ष्य दे पाया। वो दोनों पारियों में भारत के टॉप स्कोरर रहे। जसप्रीत बुमराह का पंजा। बुमराह बेंगलोर टेस्ट में भारत की जीत के दूसरे शिल्पकार रहे। उन्होंने पहली पारी में श्रीलंका की बल्लेबाजी की कमर तोड़ी दी। स्पिन गेंदबाजी के लिए मदद मिलने वाली विकेट पर बुमराह ने महज 10 ओवर में 24 रन देकर 5 विकेट लिए। ये पहला मौका रहा जब उन्होंने पिंक बॉल टेस्ट में 5 विकेट हासिल किए। बुमराह की बदौलत ही भारत श्रीलंका को पहली पारी में 109 रन पर समेट पाया और उसी श्रीलंका की पहली पारी के आधार पर 143 रन की बढ़त मिली। ये चिन्नास्वामी स्टेडियम की टर्निंग ट्रैक पर निर्णायक साबित हुआ। बुमराह ने दूसरी पारी में भी असरदार गेंदबाजी की। उन्होंने शतक जड़ चुके श्रीलंका के कप्तान दिमुथ करुणरत्ने को बोल्ड किया। इसके अलावा 2 और बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। मैच में बुमराह ने कुल 8 विकेट लिए। ऋषभ पंत की आतिशी बल्लेबाजी। ऋषभ पंत के लिए विकेट कैसा भी हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो अपने अंदाज में ही खेलते हैं। बेंगलुरु टेस्ट में उन्होंने इसे साबित भी किया। पहली पारी में जब श्रीलंकाई स्पिनर्स के आगे भारत के दिग्गज बल्लेबाज एक एक कर पवेलियन लौटते गए, लग रहा था भारतीय पारी सस्ते में सिमट जाएगी, लेकिन पंत ने सिर्फ 26 गेंदों में 39 रन ठोककर भारत को मैच में वापसी करा दी। उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ 33 गेंदों में 40 रन जोड़े। दूसरी पारी में भी पंत इसी से एक कदम आगे निकल गए और उन्होंने महज 28 गेंदों में 50 जड़ दी और भारत की तरफ से टेस्ट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। उनकी तूफानी पारी ने श्रीलंका के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा करने में टीम इंडिया की काफी मदद। आर अश्विन की असरदार गेंदबाजी। आर अश्विन ने भी भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पहली पारी में 13 रन बनाने के साथ 2 विकेट लिए थे। वहीं दूसरी पारी में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। अश्विन ने दूसरी पारी में अर्धशतक जड़ चुके कुशल मेंडिस को अहम विकेट लिया और टीम की जीत की राह खोली। भारतीय गेंदबाजी में दूसरी पारी में उन्होंने 4 विकेट लिए थे। हनुमा विहारी टीम के संकट मोचक बने। हनुमा विहारी बेंगलुरु टेस्ट के दोनों पारियों में भले ही अर्धशतक नहीं जड़ पाए, लेकिन मुश्किल विकेट पर उन्होंने पहली पारी में 31 और दूसरी पारी में 35 रन बनाए। दोनों ही मौके पर बिहारी ने अहम पार्टनरशिप की। पहली पारी में उन्होंने रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल के साथ जल्दी आउट होने के बाद विराट के साथ तीसरी विकेट के लिए 47 रन जोड़े। वहीं दूसरी पारी में भी उन्होंने रोहित शर्मा के साथ 56 रन की पार्टनरशिप की, जो टीम की जीत में निर्णायक साबित।